यब दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, इट्स रोम एक्स ब्लेड। और फाइनली मैंने प्रिज्मा 3D के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर है उसका टेक्सचर बना लिया है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा कि तुम कैसे प्रिज्मा 3D के डिफ़ॉल्ट ह्यूमन कैरेक्टर के लिए टेक्सचर बना सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे टेक्सचर्स दिख रहे होंगे और इन सबको तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो तो मैं तुम्हें टेक्सचर्स भेज दूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ग्राफ बना लेना है। यहाँ पर मैं आईबिस पेंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए आईबिस पेंट ही यूज़ करता हूँ। और फिर ग्राफ बनाने के बाद मैं यहाँ पर 2-4 नंबर भी ऐड कर दूँगा ताकि मुझे समझ में आए कि ह्यूमन कैरेक्टर का कौन सा पार्ट किस जगह पर आ रहा है। तो तुम देखते जाओ, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। और अब इसे सेव करके तुम्हें प्रिज्मा 3D के अंदर इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें अब ह्यूमन कैरेक्टर लेना है और फिर इसका जो टेक्सचर है उसे ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर लगा देना है। और अब ह्यूमन कैरेक्टर के बिल्कुल सामने से और बिल्कुल पीछे से 2 स्क्रीनशॉट तुम्हें ले लेना है। तो तुम्हें ह्यूमन के बॉडी में नंबर दिख रहा होगा तो उसका ही हमें आगे जाकर यूज़ करना है। और अब तुम्हें फिर से आईबिस पेंट ओपन करना है और उस स्क्रीनशॉट को आईबिस पेंट के अंदर इम्पोर्ट करना है। और तुम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लो और फिर ह्यूमन के ऊपर जो नंबर था तुम्हें उसका इस्तेमाल करके और ह्यूमन के ऊपर के लाइन को इस्तेमाल करके इस ग्राफ के ऊपर ठीक से एडजस्ट करके लगाना है। और अगर तुम्हें आईबिस पेंट यूज़ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम जो एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो तुम उसके अंदर भी ये सब कर सकते हो। बस आईबिस पेंट में थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि कैसे आईबिस पेंट यूज़ करना है, तो तुम उन्हें भी देख सकते हो। तो मैंने पहला स्क्रीनशॉट लगा दिया है, अब हमें पीछे वाला जो स्क्रीनशॉट था उसे भी लगाना है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी फिर से थोड़ी कम करनी पड़ेगी और फिर इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके सर पे 8 लिखा आ रहा है और नीचे यहाँ पर आई थिंक ये 18 है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये वाला दोनों 8 सेम है, बस ये जो है मिरर हो रखा है। तो मैं हमारा जो ह्यूमन है इसे भी मिरर कर लूँगा और फिर इसके साथ यहाँ पर लगा दूँगा। तो मिरर कर लिया है, अब तुम देखो तो यहाँ पर ठीक से ये बिल्कुल सेम है। तो और लाइन भी एडजस्ट करके यहाँ पर मुझे लगा लेना है। तो एडजस्ट हो चुका है और बाकी का जो आलतू फालतू सीन है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब तुम यहाँ पर अपना जो एक मिरर लगा सकते हो या फिर तुम दोनों साइड ही हाथों से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो और अब तुम टेक्सचरिंग चालू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मिरर का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, एक साइड में ड्रॉ करूँगा तो दूसरी साइड भी हो जाएगा। और तुम पहले शुरुआत में सिंपल टेक्सचर से शुरू करना, पहले ही कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर नहीं मत बनाना। तो सिंपल टेक्सचर से शुरू करना और फिर उसे धीरे धीरे एडिट करते जाना और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाना, तो ऐसे तुम्हारा जो टेक्सचरिंग है वो अच्छा होगा। तो टी शर्ट पर भी एक सिंपल सा डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो सामने का टेक्सचर हो चुका है, अब बस तुम्हें लेयर में जाना है और इस लेयर को कॉपी करके इस दूसरे पीछे वाले साइड के सामने ला के तुम्हें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर तुम थोड़ा ओपेसिटी कम कर लो और यहाँ पर इसे उल्टा करके एडजस्ट कर दो।
और क्योंकि ये पीछे वाला साइड है इसलिए यहाँ पर तुम्हें टी शर्ट के ऊपर से ये वाला डिज़ाइन हटाना है। और तुम चाहो तो थोड़े छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो और ऐसे हमारा टेक्सचर बन चुका है। अब तुम इमेज को प्रिज्मा 3D के अंदर इंपोर्ट कर लो और स्टोर से ह्यूमन कैरेक्टर ले लो। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही है तो मैं ये वहाँ से ह्यूमन कैरेक्टर ले लूँगा और उसके टेक्सचर में जाके तुम्हें इस इमेज को लगा देना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टेक्सचर ठीक ठाक ही है और तुम्हारा पहले कोशिश में नहीं भी हो सकता है, मगर कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत बार ट्राई करना पड़ा। वैसे भी मैंने तो किसी का ट्यूटोरियल नहीं देखा था तो ट्राई तो करना ही था। 2-3 ट्राई के अंदर तुम्हारा हो जाएगा। और फुल वीडियो वॉइस ओवर करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी हो तो वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। अपना फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर बताना और तुम्हें आगे कैसी वीडियो देखनी है वो भी कॉमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।